नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 अक्टूबर 2021, और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इकोनॉमी पेज और वर्ल्ड पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और स्पोर्ट्स पेज पर भी हम एक नज़र डाल लेंगे, क्योंकि कल का जो पेपर आया उसमें 3 क्वेश्चन सीधे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। और एक तो अभी 2 चीज़ें तो ऐसी थी जिनके बारे में हमने मोर और लेस डिस्कस भी किया था। एक तो इंडिया ने जो चैम्पियनशिप हारी थी और न्यूजीलैंड जीत गई थी उससे रिलेटेड कंटेंट, और एक था इसमें जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप थी उससे रिलेटेड, और दूसरा आर्टिकल था ओलंपिक्स से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये पूरा मुद्दा हमने डिस्कस किया था हमारे वीडियो में, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स वाला भी अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब UPSC पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि स्पोर्ट्स पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी, UPSC नहीं, बाकी जो स्टेट PSCs हैं या कोई और दूसरी एग्ज़ाम है उनमें तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब UPSC भी पीछे नहीं है, पिछले 20 सालों से, ये मान के चलो 2000 था ना, उसके पहले थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। अब सीधा 2021 में ये नया ट्रेंड ऐड किया है, ठीक है। और NCERTs के लिए मैं आपको बताता रहता हूँ, 12th की पॉलिटिकल की NCERT, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स कितनी बार रिमाइंड किया है बातों ही बातों में, उसमें से स्ट्रेट 2-3 क्वेश्चन ऐसे कैसे सीधे आए हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में NCERTs, देखो बेस आप अपना क्रिएट करो NCERTs से, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको जल्दी इस अपकमिंग संडे को एक प्लान दे दूंगा कि NCERTs कौन कौन सी कवर करनी है, ठीक है ना। डिमांड भी पहले से बहुत सारी आ रही थी, पर वही चीज़ है कि संडेज़ को मैं थोड़ा सा स्पेयर में कुछ काम रख लेता हूँ, इस वजह से फिर संडे यूँ ही निकल जाता है मेरा, ठीक है। तो मैं आपकी बार आपको 100% NCERTs को कवर करने का प्लान बताऊँगा, और करंट अफेयर आप कवर कर ही रहे हो, जिसका तरीका हमने पहले बात की थी कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, पहली चीज़। दूसरा, जो मंथली मैगजीन आती है किसी भी कोचिंग सेंटर की, आप कोई सा भी पकड़ लो, उसमें क्या होता है वो कंपाइलेशन रखते हैं PIB का, द हिंदू का, या कोई दूसरे जो न्यूज़पेपर है उनकी पूरी ओवरऑल उनकी कंपाइलेशन होती है। तो इंडियन एक्सप्रेस के अलावा जो कुछ भी कंटेंट होगा तो वो उस मैगजीन से कवर हो जाएगा, तो करंट अफेयर तो आपका मोर और लेस कवर हो जाएगा। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र, ये 2 कंटेंट अगर आप पढ़ते हो मंथली बेसिस पे, ये 2 मैगजीन आती हैं, इससे आपकी ऐसे राइटिंग प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। और साथ में आपको कहते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स और मेंस में भी हेल्प मिल जाती है इससे। ये 2 मैगजीन्स आप कंटिन्यू करो। तीसरा आपको करना है NCERTs से आपका बेसिक। NCERTs के बिना करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो अभी, तो इसका मतलब आप खुद से धोखा कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहले NCERTs को रीड आउट कर लो अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है, और वो भी कम से कम वो NCERTs जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है, इनकी तो आप ज़रूर से पढ़ो। और एनवायरनमेंट के लिए 12th की बायोलॉजी की बुक आती है, उसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं 12th क्लास की NCERT की बायोलॉजी की बुक, ठीक है। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वैसे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आर्ट एंड कल्चर का, पर हाँ अगर आप ये कवर कर लोगे ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, आजकल तो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आने लग गए हैं, बढ़िया, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस थे बैटल्स से रिलेटेड कि कब किसने अटैक किया था, अब की बार तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। बैटल्स को अवॉइड किया जाता है मेडिवल पीरियड में नॉर्मली पढ़ते टाइम पे, पर अब अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी मिल जाए उसको अच्छे से पढ़ो। पर एक चीज़ ज़रूरी है, रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 100 क्वेश्चंस में से 65 क्वेश्चंस देखे और उनमें आप कॉन्फिडेंट हो, और वो 65 क्वेश्चंस आप इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो जैसे कि आप रिवाइज़ करके गए हो उस कंटेंट को, तो वो 65 क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे ना, तो आप यूँ मान लो बचने के स्कोप में हो जाओगे। 65 अगर आपके सही क्वेश्चन होते हैं, फिर गलत चाहे कितने ही हो आप इन रहोगे। ये सीधी सी कैलकुलेशन है मेरी खुद की हुई, और बाकी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि भाई 65 क्वेश्चंस अगर आपके मोर और लेस, मतलब यूँ मानो 63 से 65 क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं ना प्रीलिम्स में, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन प्री तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। फिर बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे भी गलत हो गए ना, तो भी कोई टेंशन नहीं है आपको, पर कम से कम 63 to 65 का अप्रोच तो आपको बनानी पड़ेगी। एक तो ये दिमाग से किया करो, ठीक है ना। दूसरा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगाओ। इसका तरीका क्या होता है, जैसे मान लो जून में एग्ज़ाम है, तो आप 4 मंथ पहले से ही टेस्ट सीरीज डेली की एक टेस्ट देने की आदत डाल लेना, ठीक है। और प्लान करना, पढ़ाई का तरीका जो होता है ना हमेशा, वो होता है मेंस, फिर मेंस और इंटरव्यू तो देखो पैरेलल चलते हैं, फिर उसके बाद में
आप देख सकते हो, मतलब मेंस का पहले कवरेज होता है, प्रीलिम्स का तो आपका चलेगा ही, बट एक होता है ना फोकस स्टडी जिसमें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर पाओ अपने ऑप्शनल को, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया आपका मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू तो देखो अपने आप पैरेलल चलता रहता है, क्यों, आपको नॉलेज मिलती रहती है, बस हाँ एक दूसरे से डिस्कशन किया करो, आप एसोसिएशन में स्टडी करो कम से कम 2 जने, और ज़्यादा मत बनो, ठीक है। ज़्यादा का ग्रुप क्या हो जाता है फिर बाद में खिचड़ी बन जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए आपके बीच में। 2 जनों से फ़ायदा क्या होता है, एक दूसरे से आप अपनी बातें शेयर कर लोगे, एक दूसरे से बढ़ा हुआ कंटेंट सवाल जवाब करोगे, और डिस्कशन के लिए आप डेली का आधा से पौन घंटा फिक्स कर लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर पाओगे, आप रिवाइज कर पाओगे कि तूने क्या पढ़ा मैंने क्या पढ़ा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हेल्दी डिबेट वाली होनी चाहिए, लड़ाई मत करने लग जाना, किसी भी मुद्दे को लेकर के कहीं फंस मत जाना। फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वेशन का मुद्दा आ गया और उसके अंदर आपने बातचीत करनी शुरू कर दी और पता पड़ा कि एक बंदा रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है, एक रोक रहा है, और उसी में फंस के आपने 4-5 घंटे खराब कर दिए, मतलब नहीं है उस चीज़ से, ठीक है ना। तो आधा से 1.25 घंटा फिक्स कर लो जिसमें आप अपने डिस्कशंस कर सको और रिवाइज कर सको कंटेंट को, उससे दोनों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और तीसरा बंदा अगर आप लेना चाहो तो आपके ऊपर है, बाकी 3 तो मैक्सिमम है, 3 से ऊपर का ग्रुप मत बनाओ, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा खिचड़ी बिगड़ जाएगी सारी की सारी, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें थी वो मैंने बता दी, बाकी कभी इंटरेक्ट करेंगे लाइव क्लास में लूँगा तब, और मैं अच्छे से आपको गाइड कर दूंगा। बाकी ये चीज़ें तो आप कर ही लेना जो मैंने मोटी मोटी अभी बताई है, ठीक है। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन पे। जो न्यूज़ हम देखेंगे उसमें सबसे पहली न्यूज़ तो रहेगी, देखो कोल की डिमांड, आपको पता पावर क्राइसिस चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है कोल की, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिप्लाई किया गया है कि आप टेंशन मत लो, हमारे पास में एनफ स्टॉक्स अवेलेबल है। दूसरा, अभी जो लॉकडाउन के बाद में अचानक से डिमांड का बढ़ना, और दूसरी चीज़ ग्लोबल कोल प्राइसेस का राइज होना, इसको एक परफेक्ट स्टॉर्म बताया जा रहा है कि वाकई में कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं सरकार के लिए। तीसरा है LSC स्टैंड ऑफ, जो चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के बीच में जो आमना सामना है वो कंटिन्यू बना हुआ है। फिर ये आर्टिकल है यहाँ पर कि 7 साल तक एक रेल लिंक जो कि बंद था इंडिया और नेपाल के बीच में, अभी रीओपन हो रहा है, जानेंगे इसको। इसके अलावा हीट वेव के जो अकरेंस के चांसेस हैं, हीट वेव जो होती है उसके बारे में जानेंगे, और नई स्टडी क्या रिवील करती है वो भी जान लेंगे। इसके आगे पेज नंबर 4 पे हम देखेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राइव स्टार्ट किया गया है जिसमें ये होगा कि जिन फार्मर्स ने फॉरेस्ट को एनक्रोच कर रखा है उनको फॉरेस्ट एरिया की पेरीफेरी में सेटल किया जाएगा, और पेरीफेरी में सेटल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगी, जानेंगे इसको। इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों को डिटेल में देखेंगे। एक तो होगा टैक्सिंग बिग टैक, जो ये 15% कॉरपोरेट टैक्स, मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स फिक्स करने की बात आ रही है, और ये जो प्रॉफिट को इवेड करने का जो तरीका है ना उसको कंटेन करने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान के जो आप कह सकते हो फादर ऑफ पाक बॉम्ब, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले जो इंडिविजुअल थे उनकी डेथ हो गई, अब्दुल कादिर खान, तो पूरी डिटेल में जानेंगे इनकी क्या हिस्ट्री रही हुई है। और तीसरा जो आर्टिकल है वो है कि गैम्बलिंग को रोकने के लिए कर्नाटका में कानून लाया गया है, क्या चेंजेस किए हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए हम जानेंगे। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो, एक बार फिर नज़र डाल लेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे सिर्फ एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी अपनी, आप कह सकते हो कि सोलर पैनल है उनके प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लिया है, वो जान लेंगे, और बाकी नज़र डाल लेंगे। और स्पोर्ट्स पेज पे भी थोड़ी बहुत एक दो न्यूज़ हैं उन पे नज़र डाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन पेज से, टैक्सिंग बिग टेक वेर इट अर्न्स प्रॉफिट्स। सीधी सी बात है कि बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां वो जो जहां से पैसा कमाती है वहीं पर टैक्सेशन लगाने के लिए बातचीत जो है उसको देखो लगभग 136 कंट्रीज़ ने अप्रूवल दे दिया है जिसमें इंडिया भी एक है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो बात हो रही है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट जो कि 15% रहेगी वो अप्लाई करना, और इससे होगा एक इक्विटेबल सिस्टम तैयार करना। इससे क्या होगा कि जो भी कंपनीज़ जिस मार्केट से पैसा कमा रही हैं उसी मार्केट के अंदर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएंगी। नहीं तो आपको पता ही है कि पैसा तो कमाया इंडिया से और जाकर के टैक्स देते हैं वो आयरलैंड में या फिर हांगकांग में कोई छोटे मोटे कंट्री के अंदर, तो इससे नुकसान इंडिया को हो गया। वैसे
कीनिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, श्रीलंका, इन चार कंट्रीज ने अभी तक इस डील को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, अब आगे देखो, इस तरीके के प्रपोजल पे बातचीत करने के लिए शुरुआत हुई ओईसीडी में। ओईसीडी के फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर मेनली डेवलप्ड कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। उन लोगों ने ये फाइनलाइज किया था कि क्यों ना एक इंटरनेशनल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स रेट फिक्स कर दी जाए। इससे क्या होगा कि जो मल्टीलेटरल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो अपना हेडक्वार्टर ऐसी जगह पे ना बनाए जहाँ पर उनको मिनिमम टैक्स देना पड़े। ठीक है, और उनको इस चीज़ के लिए गाइड करना कि जी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा जिस कंट्री से आपसे आपने पैसा कमाया है। ठीक है, तो ये लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए ये प्रोविज़न है। अब इसमें देखो, दो पिलर्स हैं ओईसीडी का जो प्रपोजल था ना, उसमें दो पिलर्स पे काम किया जा रहा है। पहला पिलर तो ये कि जो प्रॉफिट और टैक्सिंग राइट्स हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि जिस देश से आपने पैसा कमाया है उस देश की अथॉरिटीज़ को ही आप टैक्स पे करो। इससे क्या होगा कि एक तो क्या होगा कि टैक्स पे करने से वहाँ की रेवेन्यू कलेक्शन होगी, तो वहाँ की जनता के लिए वेलफेयर होगी, मतलब अपने मार्केट के वेलफेयर के लिए काम करना ज़रूरी है इन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, अब ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस करती क्या, आपको पता भी है कि प्रॉफिट तो अर्न किया कोई एक्स वाई जेड कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, अर्न तो वहाँ से करते हैं और जाकर के हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपने खुद के, अब मान लो कोई छोटे मोटे कंट्री में, जैसे पनामा हो, आयरलैंड हो गया, जहाँ पर उनको टैक्स कम देना पड़े। तो इससे नुकसान होता है फिर इन कंपनीज़ को, जो कंट्रीज़ को जहाँ पर इनका मार्केट है। दूसरा पिलर है कि आप कह सकते हो, एक तो हो गया ये, ठीक है, दूसरा मिनिमम कॉरपोरेट इनकम टैक्स है वो फिक्स कर देना। इससे क्या होगा, ये ग्लोबली मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स फिक्स हो जाएगा, तो कहीं पर भी कोई भी कंट्री इन कंट्रीज, मतलब एक तरीके से बेस का जो इफेक्ट आता है ना, वो टेंशन नहीं रहेगी। तो एक तो हो गया मिनिमम टैक्स रेट और एक हो गई फेयर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो पिलर हैं, इन दोनों पिलर के ऊपर बातचीत हो रही है और उस पर लगभग 136 कंट्रीज ने अपनी कंसेंट दी है, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है। इसके अलावा आप देख सकते हो 15% जो फ्लोर रेट फिक्स की गई है ना कॉरपोरेट टैक्स की, ये बताया जा रहा है कि ये फोर्स में आ जाएगी 2023 से। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ को, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर अप्रूवल दे रहे हैं ना 136, इनको कानून बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप मानो लगभग 20 बिलियन यूरो, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग 23 बिलियन डॉलर्स की, आप कह सकते हो ग्लोबल सेल करने वाली जो फर्म्स है वो कवर होंगी इसमें। साथ में वो कंपनी आएंगी जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10% या उससे ज़्यादा है। ये दो कंडीशन क्लियर है। इसके अलावा जिस भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% से ज़्यादा है, तो 10% तक तो देखो ये 15% वाला फ्लोर लगेगा, पर 10% से ज़्यादा अगर मार्जिन वो कंपनीज अर्न कर रही हैं, तो उनका जो 10% से ज़्यादा वाला जो मार्जिन रहेगा ना प्रॉफिट वाला, उसका क्वार्टर, दैट मीन्स 1/4 हिस्सा जो है वो उस कंट्री के अंदर ही रीअलोकेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं। तो कंडीशनैलिटीज़ आपको क्लियर हो गई कि 20 बिलियन यूरो या फिर 23 बिलियन डॉलर जो सेलिंग होती है, ग्लोबल सेल है जिन भी कंपनीज़ का वो, और साथ में वो कंपनियाँ, मतलब ये कंडीशन तो है ही, एंड मतलब साथ साथ में दूसरी कंडीशन क्या है कि जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10% है, तो उन कंपनियों को इस रिजीम में लाया जाएगा। वैसे तो G7 इकोनॉमीज़ ने लंदन में इस चीज़ पे बातचीत की, इन टू पिलर्स के सॉल्यूशन पे, जो हमने देखा, एक तो टैक्स रेट फिक्स करना और एक फेयरर टैक्स रिजीम क्रिएट करना। फिर G20 जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वॉशिंगटन में, अक्टूबर 13 को, इसमें बात होगी। और फिर G20 लीडर्स की समिट होगी रोम, इटली में, वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो ओवरऑल आप मान के चलो कि 125 बिलियन डॉलर का टैक्सेबल जो प्रॉफिट होगा एनुअली इन कंपनीज के पास आता है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उन कंट्रीज़ को इस टैक्स का फ़ायदा मिलेगा जहाँ से उन कंपनियों ने टैक्स, मतलब पैसा कमाया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, वैसे तो ये अभी एक मोमेंट मिला है ना इसको पुश करने में, यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलन, इन्होंने वर्ल्ड की 20 जो एडवांस इकोनॉमीज है, जिसमें इंडिया भी आता है G20 कंट्रीज़ में ना, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से पुश किया है और वही डिमांड अभी चल रही है। IMF है,
उसने भी इस चीज़ को पुश किया है। चाइना है, उसका भी ये लगता है कि कोई सीरियस ऑब्जेक्शन तो करने के चांसेस नहीं है, अगर होगा थोड़ा बहुत तो चाइना इतना कह सकता है कि हांगकांग जो है वो चाइना की टेरिटरी है। अब हांगकांग जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट टैक्स हेवन है, मतलब कि जो पैसे कमाने वाले छोटे कंट्रीज है ना, जहाँ पर टैक्स एवेड करके जा करके अपने पैसे को वहाँ पर हेडक्वार्टर ओपन कर लेती है, तो हांगकांग 7वां कंट्री है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो ये पॉइंट बनता है चाइना का ऑब्जेक्शन करने का, और दूसरा ये कि चाइना की यूएस के साथ में रिलेशनशिप थोड़ी सी बेकार है, और आपको पता ही है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूएस जिनका नाम है जेनेट येलन, उनके द्वारा ये प्रपोजल दिया जा रहा, तो उस केस में हो सकता है चाइना ऑब्जेक्ट कर दे, बाकी चांसेस थोड़े कम हैं। अब टारगेट कौन होंगे वो हमने ऑलरेडी देख लिया, बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, ठीक है, अल्फ़ाबेट का आपको पता ही है, गूगल उसी की है अल्फ़ाबेट की, या फिर आप कह सकते हो यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, नाइके, स्टारबक्स, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर सीधा सीधा एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, इनको एम्बिंट में लाया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इस प्लान के साथ में? देखो प्रॉब्लम तो ऐसी है कि अगर टैक्स पॉलिसी अगर कोई कंट्री डिसाइड करता तो वो उसका एक सोवरन एक सिस्टम होता है। सोवरन का मतलब समझ रहे हो ना, संप्रभुता, कि बाहर से कोई भी देश या कोई भी सिस्टम किसी भी कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम या कोई भी कंडीशंस इम्पोज नहीं कर सकता है कि जी हम टैक्स कितना लगाएंगे हमारे देश में। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनली कोई कंसेंसस निकल के आता है तो वहाँ पर अपनी सोवरन पावर को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से रिलेटेड इसको मुद्दा समझा जा रहा है, कि सॉवरेनिटी पे सवाल आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो देखो आपको पता ही है, ज़रूरी है, नहीं तो ये कंपनियाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जो सरकारें हैं उनको चैलेंज कर रही है चाइना में, तो इसीलिए तो देखो आप एवरग्रैंडे करके एवरग्रैंडे ही थी उस कंपनी का नाम है ना, तो उस कंपनी को कॉलेप्स होने के बावजूद चाइनीज गवर्नमेंट ने तो बचाया ही नहीं, कि बोले ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ये बोले गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट तो छोड़ो, मेन तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर सवाल उठाती है। तो ये जो रिजीम चल रहा है ना, जो सरकार की व्यवस्था, उसके ऊपर सवाल आ गया, सरकार की व्यवस्था से देखो क्वेश्चन आ गया कि भाई स्टेट की डेफिनेशन क्या है, इस पर भी क्वेश्चन था कि स्टेट किसको बोलोगे आप, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ स्टेट किसको बोलेंगे, जो अभी क्वेश्चन आया था कल प्रिलिम्स में, ठीक है ना। आगे देखते हैं इंडिया के क्या स्टैंड है वो अगर जाने तो, इंडिया के स्टैंड में तो देखो इंडिया ने पहले तो रिजर्वेशन रखा था, पर अल्टीमेटली इंडिया ने इस प्रपोजल को बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम डिसाइड करने के लिए रेडी हैं और बहुत क्लोज हैं डिसीजन लेने के लिए। OECD की बात करें या फिर मल्टीलेटरल कन्वेंशंस की बात करें तो इंडिया देखो अपनी तरफ से पहले ही इन डिजिटल कंपनीज़ को कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पर देखो डिजिटल सर्विस टैक्स ऑलरेडी लग रहा है। इसके ऊपर सवाल तो बहुत कंट्रीज ने उठाए थे, इवन USA ने भी उठाए थे, पर रियल सेंस में देखा जाए तो इंडिया से ही पैसा कमाती है ये कंपनियाँ और ले जाती हैं बाहर, इंडिया को कोई फ़ायदा ही नहीं है। साथ में गवर्नमेंट ने 2016 में इक्विलाइजेशन लेवी, ये भी एक तरीके का टैक्स इम्पोज किया था इन कंपनीज़ के ऊपर, और इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है टेक्निकल कंपनीज़ को कंटेन करने के लिए। तो मुद्दा आ जाता है कि जी जो भी कंपनियाँ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, दैट मीन्स जिनका यूज़र बेस आप मान के चलो, जैसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी किसको बोला था, जिनके पास में यूज़र बेस 50 लाख से ज़्यादा है, समथिंग आपको याद आ रहा होगा डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की बात करें, जो कि इकोनॉमी में अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनकी कंपनीज़ की जो आप कह सकते हो वैल्यू है वो इंडिया की वजह से बहुत ज़्यादा राइज हो चुकी हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए इंडिया ने पहले व्यवस्था कर रखी है। पर अगर ये जो मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स 15% फिक्स अगर हो जाता है ना, तो इंडिया को फिर अपने ये जो जितने भी रेगुलेशंस हैं, इक्विलाइजेशन लेवी की बात करो या फिर आप कह सकते हो ये जो ऑलरेडी डिजिटल सर्विस टैक्स है, इनको एक बार विड्रॉ करने की नौबत आ सकती है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर इंडिया, चाइना, एस्टोनिया और पोलैंड, इन्होंने वैसे तो अपनी तरफ से कह दिया कि आप मिनिमम टैक्स की अगर बात करते हो तो इससे तो बोला हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है ना, उसके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देना है या टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये MNCs ही लेकर के आती हैं, और इन MNCs को ही कंटेन करने के लिए इस तरीके कानून बना दिए तो हमारे यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो इंडिया के लिए एक, इंडिया की तरफ से एक ये स्टेटमेंट भी दिया गया, और सॉवरन वाला मुद्दा मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं ना,
उन पर तो देखो लगभग 22% तक टैक्सेशन का प्रोविज़न है हमारे यहाँ पर, जबकि कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगाना चाहे तो उसके केवल 15% टैक्स देना पड़ता है। और टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड किया गया था, उसमें कंसेशनल टैक्स रेट मतलब कुछ छूट दी गई थी टैक्सेशन में कि कैसे भी करके डोमेस्टिक कंपनीज़ को एक कुछ कह सकते हैं ना कि हाँ हेल्प मिल जाए कि मिनिमम टैक्स बेसिस पे वो काम करें। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो कि जिन कंपनीज़ ने भी कंसेशनल टैक्स रिजीम, ये जो अमेंडमेंट लाया गया था ना आईटी एक्ट में 2019 के, इस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, ठीक है, तो इसमें कंसेशनल टैक्स का अगर फ़ायदा कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उठा रही है ना, तो उनको फिर बाद में मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वाला जो प्रोविज़न है उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये इसका प्रोविज़न ये है कि मान लो कोई कंपनी लगातार अपने बैलेंस शीट में ये बता रही है कि जी हम तो बिल्कुल घाटे में जा रहे हैं, हमारा तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो इस तरीके से तो वो झूठ भी तो बता सकती हैं अपने मैनिपुलेशन करके टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में प्रोविज़न है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कि जी आप अगर अपने प्रॉफिट पे टैक्स देते हो तो दे दो, ठीक है, और अगर टैक्स नहीं दे रहे हो आप घाटे में जा रहे हो तो भी आपको मिनिमम टैक्स तो आपको एक परसेंट मतलब जितना भी परसेंटेज फिक्स है वो देना ही पड़ेगा। तो ये कंसेशनल टैक्स रिजीम का अगर फ़ायदा उठा रही है ना कोई भी कंपनी, जो कि यहाँ पे 2019 के लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे हो चुका है 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में, तो उनको फिर भी ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वाला प्रोविज़न का हेल्प नहीं मिलेगा। और वैसे बताया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से टैक्सेशन कलेक्ट किए जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो आप कह सकते हो ना कि एक बार जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा टैक्स कलेक्शन का, क्योंकि अभी करंटली लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन होता है एनुअली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर हाँ 15% टैक्सेशन अगर आता है तो उसके बाद में कुछ इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद में देखने वाली बात है, क्योंकि सीधी सी बात है इंडिया में अगर इतना कलेक्शन होता है एनुअली, आप देख सकते हो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एनुअली कलेक्शन हो रहा है, तो वो अगर अचानक से रुकेगा ना तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी। और टैक्सेशन एक सॉवरेन मुद्दा है, हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर किया हुआ है कि किस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम आगे चलेगा, पर वही चीज़ है कि ये जितना भी हम प्रोएक्टिवली एंगेज करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, जिससे क्या होगा कि टैक्स अवॉइडेंस के लिए जितने केसेस आते हैं, जैसे पेंडोरा केस और ये आ गया पेंडोरा पैराडाइज पनामा, ये पेपर लीक हुए हैं, तो इन प्रॉब्लम्स से फिर बाद में प्रॉब्लम हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, मतलब ब्लैक मनी की टेंशन। अच्छा ब्लैक मनी का क्वेश्चन और आ गया, ब्लैक मनी भी थी क्वेश्चन के अंदर, इकोनॉमी से क्वेश्चन, मतलब आप देखो पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस से कंटेंट उठा हुआ है, ठीक है ना, तो ब्लैक मनी पे भी क्वेश्चन था इस यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि जी जो पैसा यहाँ से इंडिया से कमा करके और फिर बाद में दूसरे कंट्रीज़ में ले जा करके लूप करके फिर इंडिया में वापस लाया जाता है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हो रखे हैं हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। इसमें क्या है कि मान लो कोई कंपनी एक्स वाई जेड कंट्री से ऑपरेट करती है और इंडिया में भी वो पैसा ला करके इन्वेस्ट करती है, तो उस कंपनी में इंडिया और एक्स वाई जेड दोनों जगह पर अगर टैक्स लगे तो वो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में एक्स वाई जेड कंट्री और इंडिया दोनों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है दैट इज़ नॉन एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो उससे क्या होगा कि वो कंपनी एक्स वाई जेड में अगर टैक्स देना चाहती है तो वहाँ जा करके दे सकती है और इंडिया में देना चाहे तो इंडिया में दे सकती है, और एक्स वाई जेड और आई के बीच में मतलब इंडिया के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा फिर जो भी टैक्सेशन का प्रोविज़न है। इसके अलावा टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट भी इंडिया ने कर रखे और मल्टीलेटरल कन्वेंशन में भी अपनी तरफ से बहुत सारे काम कर रखे, तो पर उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, तो उन लूप होल्स को प्लग करने में हेल्प करेगा ये जो भी एग्रीमेंट अभी हो रहा है, पर कुछ कैवियट्स भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी है, वो भी हमने देखे, ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ पाक बॉम्ब एंड स्टीलर ऑफ न्यूक्लियर सीक्रेट, मतलब पाकिस्तान को बॉम्ब देने वाले इंडिविजुअल और जिसने कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराया था, ठीक है, उनको तो देखो बहुत ज़्यादा वैसे तो फेम मिली और अभी उनकी डेथ हो गई कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन की वजह से, और इस बंदे का नाम था अब्दुल कादिर खान, ठीक है, ये 2012 की फ़ोटो यहाँ पे बताई हुई है। तो मुद्दा सिंपल सा इतना सा ही है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, अब आपसे पूछा जाए ना कि किस तरीके से ब्रेन विदाउट मोरालिटी कितना मुश्किल हो जाता है, तो ये मुश्किलें इस इंडिविजुअल का एग्जांपल बार बार दिया जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिन्होंने
सबसे पहली गलती, सबसे पहला गलत काम तो ये किया कि जब ये नेदरलैंड्स में एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने वहाँ से ब्लूप्रिंट चुराया। पहला काम तो ये इमोरल काम ये हो गया, इसीलिए तो एथिक्स के अंदर इनका कोटेशन आता है कई बार आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़ो ऐसे, और ये कोटेशन आप डाल सकते हो, इस इंडिविजुअल की अभी डेथ हो गई 85 ईयर्स की एज में, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये हो गया इमोरल, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में ला करके और यहाँ पर न्यूक्लियर सिस्टम है वो डेवलप किया, 1980s के टाइम पे डेवलप कर लिया, पर ओपन नहीं किया। ओपन क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान यूएसए की दया भाव के ऊपर जी रहा था अब तक, ठीक है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यूएसए जो पाकिस्तान को एड और सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो बंद हो जाए, तो ऐसे और उस टाइम पे कोल्ड वॉर भी चल रहा था, तो ऐसे में इस इंडिविजुअल को बिल्कुल हाईलाइट नहीं होने दिया, इनको रोक के रखा। पर हमारे इंडिया की तरफ से कुलदीप नय्यर करके एक इंडिविजुअल जिन्होंने इंटरव्यू किया इनको, ठीक है, तब इन्होंने बोला कि यूएसए को पता है कि हमारे पास में कैपेबिलिटीज़ हैं, पर हम वहाँ ओपनली नहीं कर सकते, बस ये इतना सही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी चोरी करना, फिर उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बना देना। वो कैसे बनाया कि हमारे पोखरण में टेस्टिंग हुई, पोखरण की टेस्टिंग के जस्ट बाद में 1998 की बात है, जस्ट बाद में पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करा दी जाती है, और न्यूक्लियर टेस्टिंग कराने के बाद में ये चीज़ साबित करनी कि जी इंडिया और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं, ठीक है, इंडिया से कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान। यहाँ तक भी चलो ठीक था, चलो अपने हिसाब से कर लिया, पर चोरी तो वाला तो गड़बड़ हो ही गई थी। अब आगे पहुंच जाती है बात ये कि इस इंडिविजुअल ने दबे पांव, मतलब बिना कोई कंसिडरेशन कंसल्टेशन, जो दूसरे कंट्रीज़ थे जिनमें आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया का नाम भी है, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में बताता हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनको इन्होंने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी, जिसकी वजह से मुसफ्फर ने जो जनरल परवीज़ मुशर्रफ उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, 2000s की बात चल रही है ये, तो उस टाइम पर इनको उठा करके जेल में डाल दिया था, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखो लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनको ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, और इसकी वजह से आज ईरान भी आंखें दिखा रहा है यूएस को, नॉर्थ कोरिया भी दिखा रहा है, और लीबिया में तो आपको पता ही है कि जो अरब स्प्रिंग जिसमें सरकारों को उखाड़ करके नया सिस्टम लेकर के आना, वो लीबिया से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे काम किस बेसिस पे हुए, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, वो वहाँ पर जो भी लोग थे वो पावरफुल हो गए। अब यहाँ पर डर एक ये भी है कि कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास में तो नहीं पहुँच गई ये टेक्नोलॉजी, हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी रही हुई है इस इंडिविजुअल की। इसके अलावा आप देखो इधर कि जो ये अब्दुल कादिर खान है, अब्दुल कादिर खान ही बोला क्या मैंने, हाँ अब्दुल कादिर खान, बिल्कुल अब्दुल कादिर खान है, इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर, जैसे हमारा सिविलियन ऑनर क्या है, भारत रत्न, तो ये देखो भारत रत्न का नाम आ गया। इस पर भी क्वेश्चन था, अब की बार भारत और पद्म अवार्ड पर भी क्वेश्चन था, मतलब बातों बातों के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप लिंक करते रहो, राइट, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं जो मतलब मुँह से कुछ भी निकल रहा है ना, तो उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है या रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो कर लो उसको रिवाइज़, चूको मत, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर, और क्योंकि इतना कंटेंट आ जाता है जिसको अगर हम लिंक करना शुरू कर दें तो अपने आप में बहुत कुछ हो जाएगा, सही है। तो ऐसे में निशान ए इम्तियाज़ करके हाईएस्ट ऑर्डर है पाकिस्तान का, सिविलियन ऑनर है, जैसे हमारे भारत रत्न होता है, और इसके अलावा मोहसिन ए पाकिस्तान करके भी एक अवार्ड है जिसको बोलते हैं बेनिफैक्टर ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों अवार्ड इस इंडिविजुअल को मिले हुए हैं क्योंकि इन्होंने भाई न्यूक्लियर पावर बना दिया, ठीक है। पर वही चीज़ है कि इधर जब ये चीज़ लीक हो गई ना कि लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान को इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके कुछ सेंट्रीफ्यूग्स, कुछ पार्ट्स हैं वो शेयर कर लिए इन कंट्रीज़ के साथ में, तो फिर अमेरिका ने देखो आड़े हाथ लिया और फिर मुशर्रफ ने इनको जेल में डाल दिया, ठीक है, अंडर हाउस अरेस्ट रहे पहले, फिर इनके जो ह्यूमन राइट्स थे इनके वायलेशन होने लग गए, तो फिर इन्होंने डिमांड की कि जी कैसे भी करके मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ दो। उस टाइम पर इनका कोई ध्यान नहीं था। हॉलैंड वाला मुद्दा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चोरी वहीं से किया था, एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर काम कर रहे थे जो कि जर्मन और डच आप कह सकते हो फैसिलिटी थी, और वहाँ से इन्होंने ये टेक्नोलॉजी चोरी की थी। बाकी और चीज़ें देख ही ली, बाकी अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई, यही चीज़ बताई जा रही है ना। मेन जो स्टोरी थी वो समझ गए होंगे आप, ठीक है। 1981 में आप देख सकते हो जनरल जियाउल हक की लीडरशिप में वहाँ पे काम चल रहा था, पर उन्होंने बिल्कुल भी ओपन नहीं होने दिया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट उस टाइम पर बन चुका था क्या। वजह
कि बोला अगर बता दी जाएगी तो यूएस फिर बाद में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये चीज़ कब रिपील होके आती है ढंग से, जो विकी लीक्स होती है ना 2011 में, उस टाइम पर, कि इस में किस तरीके से एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी होता है इस इंडिविजुअल के साथ में, अब्दुल कादिर खान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में, कि अंडर हाउस अरेस्ट रहने के बावजूद आपको क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप देखो, इस्लामाबाद छोड़ने तक भी बैन कर दिया गया था इनका, इस्लामाबाद से बाहर भी निकलोगे तो पहले गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। इस तरीके की पर्सनैलिटी थी जिनकी अल्टीमेटली डेथ हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो, कर्नाटका में एंटी गैम्बलिंग लॉ लाया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा। तो कर्नाटका की लेजिस्लेचर ने रिसेंटली एक बिल पारित किया है, दैट इज़ कर्नाटका पुलिस एक्ट ऑफ 1963। इसमें क्या प्रोविज़न किया गया है कि कर्नाटका में जो भी गैम्बलिंग होती है, जुए खेले जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, सबको बैन करना। और इस बिल को क्या बोला है, कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। अब आप देख सकते हो इसमें पहले से आप देख सकते हो कि जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता था, कॉग्निजेबल का मतलब हो गया मतलब कंसिडर किया जाना, कॉग्निजेबल का मतलब कि पुलिस किसी पर भी शक के दायरे में बिना कोई मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के अरेस्ट कर सकती है। अब ये भी बात आ गई, देखो जेसी जुडिशियल कस्टडी आ गया क्वेश्चन दिमाग में, जेसी पर भी क्वेश्चन था जुडिशियल कस्टडी, कि क्या कंडीशंस होती है अगर कोई जेसी में जाता है तो क्या उसको जेल में रखा जाएगा या पुलिस थाने में रखा जाएगा। क्वेश्चंस देखो बड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एनालिसिस है ना, ये ज़रूर देखा करो आप, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपके पास में कोई ओपिनियन है तो कमेंट किया करो, और कमेंट अच्छे करो। अच्छे कमेंट का मतलब कि आप अपने ओपिनियन दोगे तो उससे क्या होगा, दूसरा भी आपका कोई साथी पढ़े तो उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। और नॉन बेलेबल का मतलब कि जमानत भी नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप गैम्बलिंग को बनाना चाहते हो, कर्नाटका असेंबली के द्वारा ये पारित कर दिया, ठीक है। तो गैम्बलिंग का जो मुद्दा है वो फ़ोन या इंटरनेट इनके थ्रू भी फैले तो उसको भी रोकने का टारगेट है। तो ये तो प्रोविज़न किया है कर्नाटका असेंबली में, सेम प्रोविज़न तमिलनाडु ने भी किया था, तमिलनाडु गैम्बलिंग एंड पुलिस लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, पर उसको मद्रास हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, बोल दिया ये अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे या फिर कुछ और एग्जिस्टिंग लॉज के बेसिस पे इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या कर्नाटका का ये लॉ है वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में रिसेंटली इसको स्ट्रक डाउन किया वहाँ के हाई कोर्ट ने। तो मुद्दा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे में अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का ने ये जो कुछ भी किया है, इसके पीछे एक लीगल बैकिंग भी है। वैसे तो देखो, धनवाद बेंच, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट की धनवाद बेंच है, उसमें एक केस चल रहा है, दैट इज वगेप्पा गुरुलिंगा जंगालिंगी वर्सेस खगवाद पुलिस 2019 का केस है। इसमें ये था, इस केस के तहत अगर देखा जाए तो बोला कि पुलिस जो है बिना किसी वारंट के किसी भी गैम्बलिंग एरिया के ऊपर आप रेड नहीं मार सकती है, पहले तो मजिस्ट्रेट से रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, समझ गए ना, ये एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता रहा है कर्नाटका में। अब ये तो बिल आ गया, बिल पास हो गया, अब आगे की बात अलग है, इसके पहले की बात कर रहे हैं। पहले क्या था, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है, कहीं रेड मारती है, तो उसके पहले मजिस्ट्रेट से रिटर्न में अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा बेलेबल ऑफेंस मतलब कि अगर किसी अक्यूज को आपने जेल में डाल भी दिया तो उसको जमानत पे छोड़ा जाना होगा, ठीक है। पर सरकार क्या चाहती है कि इस तरीके से तो ये गैम्बलिंग की जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म नहीं होगी स्टेट में, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाने की बात कर दी, ठीक है। तो ये है मुद्दा सारा का सारा। अब इसमें साइबर स्पेस भी आ गया अपने आप में, क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग भी होती है। अच्छा, दो चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को कवर किया है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ही है कि कौन कौन सी गैम्बलिंग है जिनको कवर किया गया है, केवल एक तो हॉर्स रेसिंग और एक लॉटरीज, इन दो को छोड़ करके बाकी सबको कवर किया गया है। तो ये थोड़ा सा एक स्पेशल प्रोविज़न हो चुका है, ठीक है। बाकी फिर चाहे गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि जी पार्टिसिपेट तो कोई और कर रहा है और उसके ऊपर पैसे आप बाहर बैठ करके लगा रहे हो, मतलब दूसरे की स्किल के ऊपर आप पैसे लगा रहे हो, कभी हारते हो कभी जीतते हो, तो बोले ये चीज़ बोल, इस चीज़ को रोकने की कोशिशें की जा रही है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इस बिल में जो प्रोविज़न है वो ये है कि
कि पहले 1,000 रुपये की सजा मतलब वो था जुर्माना, तो उसको अब बढ़ा करके 1,00,000 कर दिया है। पहले सिर्फ 1 साल की जेल हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 3 साल कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे जो हमने देखने थे, देख लिए। बाकी तो देखो हाईकोर्ट में इसके अगेंस्ट में पिटिशन डेफिनेटली जाएगी और वो फिर बाद में फाइनल जो भी होगा तब और देख लेंगे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखो फ्रंट पेज से है। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि कोल स्टॉक्स की कमी नहीं है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि पावर क्राइसिस है, ये केवल और केवल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसप्लेस्ड है। बेसिकली दिल्ली के जो वाइस चीफ मिनिस्टर है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरीके से सेकेंड वेव के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आई थी ना, बोले एग्जैक्टली वही हाल अभी हो रहा है। वैसे देखा जाए ना तो अभी तक 1.92 मिलियन टन्स ऑफ कोल ये अवेल करा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स को, जबकि ज़रूरत कितनी होती है, टोटल कंजम्पशन कितना होता है इंडिया में, 1.87 मिलियन टन। ठीक है, तो ऐसे में सरप्लस में कोल बोले सप्लाई कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, उसमें थर्मल पावर प्रोडक्शन का कितना पार्टिसिपेशन है वो देखना ज़रूरी है। देखो हमारी जितनी भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ अराउंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी, दैट इज़ अराउंड 388 गीगावाट। उसमें से 54% अराउंड 208.8 गीगावाट जो है वो थर्मल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से आती है। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे पे भी लिखोगे ना तो काम आ जाएगा, क्योंकि सुबह भी हमने देखा था, ध्यान हो आपको, अशोक गुलाटी जी का एक आर्टिकल था जिसमें ये था कि हमारे यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कोल की बर्निंग होती है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सीधा इसी पे आ गया हूँ। ओके, बाकी तो देखो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ी रही है, बढ़ने के पीछे वजह क्या है अब उस आर्टिकल को देखते हैं। अब दूसरा आर्टिकल है वही कि एक परफेक्ट स्टॉर्म तूफान आया हुआ है लॉकडाउन के बाद में डिमांड का। एक तो हमारे यहाँ पर लोकल जो स्टॉक्स है कोयले के वो कम हो गए, और दूसरा ग्लोबल कोल प्राइसेस हैं वो भी राइज हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ही या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और थर्मल स्टेशन आपको पता पड़ गया कि 54% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी वो फुलफिल होती किससे, मतलब एनर्जी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो फुलफिल ही थर्मल पावर प्लांट से हो रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NTPC को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है, नेशनल थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉरपोरेशन NTPC, ठीक है, तो उनको बोल दिया कि आप जितना भी एग्रीमेंट आपने कर रखे हैं, ठीक है, डिस्कॉम कंपनीज के साथ में, उनको उतना आप डिलीवर करो इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। परचेजिंग एग्रीमेंट होते हैं जिसमें डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो NTPC के साथ एग्रीमेंट करते हैं क्योंकि NTPC प्रोड्यूस करवाती है इलेक्ट्रिसिटी को, तो जनरेशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन। तो अभी ये इतनी प्रॉब्लम आई कैसे, देखो सिंपल सी बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ था थोड़े बहुत, अब अचानक से लॉकडाउन हटे हैं, इकोनॉमी बिल्कुल आप कह सकते हो नियर कम्प्लीटली ओपन है, तो ऐसे में आप देख सकते हो अचानक से डिमांड बढ़ गई, उसी वजह से प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा कोयले की सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई, वो कैसे, कि एक तो मॉनसून अभी आपको पता है 1-2 अक्टूबर तक भी बारिश रही है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से वो एक्सटेंडेड रेन रही, और जो ओपन माइनिंग होती है ना, ओपन कास्ट माइनिंग, बिल्कुल खानों को खोद करके बिल्कुल खाली हो जाती है वो खाने, तो उन खानों में पानी का, बरसात का पानी वो भरा रहा, तो वैसे कोयला नहीं खोदा जा सका। तो इस वजह से क्या हो गया कि प्रॉपर प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए जितने कोयले की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हो पाई, मेन तो देखो यही बताई जा रही है, ठीक है। और तो बाकी एक बार आप, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ठीक है, मेन जो चीज़ें थी ये बताई दिया ऑलरेडी, 388, और ये हमने डेटा ऑलरेडी देख ही लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है देखो LSC स्टैंड ऑफ से रिलेटेड। 2 महीने हो चुके हैं इंडिया और चाइना के टॉप जनरल मीटिंग अभी हुई है, तो अभी मीटिंग में क्या फाइनलाइज हुआ है वो तो अभी तो इमीडिएटली ओपन नहीं किया है, पर इसमें जो कुछ भी इशू है वो ये कि एक तो पेंगोंग शो, उसके नॉर्थ और साउथ बैंक, ये लोकेटेड है कहाँ पे, लद्दाख वाले एरिया में। एक कमेंट आया था सर ज्योग्राफी का आप कंटेंट बताते हो तो थोड़ा मैप को डिस्कस कर लो, मैं यहाँ पर बोलता हूँ आप इस वाले कंटेंट का मैप जो है वो ज़रूर देख लो एक बार ओपन करके, इसमें आपके पास एटलस नहीं है तो परचेज करो उसको, ठीक है, या फिर स्मार्टफोन है तो आप गूगल कर लो, ठीक है ना। तो गलवान वैली वाला रीजन या पॉइंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट ऑफ 14,
वो को कह सकते हो या गोगरा पोस्ट, यहाँ से तो देखो विड्रॉवल हो गया नॉर्दर्न और सदर्न बैंक्स पे पेंगोंग शो रिवर के दोनों तरफ, ठीक है, चाइनीज ट्रूप्स भी विड्रॉ कर गए और इंडियन ट्रूप्स भी। पर एक पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट है 15 हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, वहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स अभी तक लगातार वहीं बैठे हैं और ट्रेडिशनली 5 पेट्रोलिंग पॉइंट जैसे PP-10 PP-11 PP-11A 12 एंड 13 इनके ऊपर चाइना ने अपने सेटलमेंट्स को एक्सपेंड किया और ये कहा है कि वहाँ पर सिविलियंस हैं। इसका मतलब ये हो गया, सीधी सी बात अगर कही जाए कि LAC का हाल अब LOC से कम नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ में हमारी टेंशन है वो, ठीक है। तो चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी का यही मूड बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दा था वो हमें देखना था। इसके अलावा नेपाल और इंडिया के बीच में रेल लिंक थी, है ना, उसको एक तरीके से पहले नैरो गेज थी, अब नैरो गेज में आपको पता ही है कि 1 मीटर से भी कम गैप होता है, आधा मीटर के लगभग गैप होता है दोनों रेलवे ट्रैक्स के बीच में, ठीक है। आप मुझे बताओ ब्रॉड गेज, नैरो गेज और एक कौन सा बच गया, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, तीनों के बारे में बताओ कितनी डिस्टेंस होती है दोनों ट्रैक्स के बीच में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, UPSC कुछ भी पूछ सकती है, ये मान के चलो अब आप, ठीक है। तो बेसिकली नैरो गेज लाइन पहले से डाली हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उस टाइम पर तो मेन पर्पज़ क्या हुआ करता था कि नेपाल से ये काटा करते थे बड़े बड़े लॉग्स, लट्ठे पौधों पेड़ों के, और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता था। पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसको रिन्यू करने की बात की और इसमें लगभग 700 समथिंग करोड़ रुपए का खर्चा आया है और वो खर्चा केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बेयर कर रही है, क्यों, एक ग्रांट के तौर पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है इसका फर्स्ट स्ट्रेच है, इस रेलवे लाइन का इंडिया नेपाल के बीच में इसका फर्स्ट स्ट्रेच है वो तैयार हो चुका है, लगभग 34 किलोमीटर्स का। ये कहाँ से कहाँ है, बिहार के जयनगर से नेपाल में कुर्था करके जगह है वहाँ तक, ठीक है। और इसमें हिंदू पिलग्रिमेज सिटी भी आ जाती है बीच में, जनकपुर धाम। जनकपुर आपको पता ही है कि सीता माता जो पिताजी हैं वो कौन थे, जनक थे, राजा जनक। तो बोले इस तरीके से ये एक पिलग्रिमेज के लिए भी, या आप कह सकते हो कि तीर्थ यात्रा पर जो यात्री जाते हैं उनके लिए भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इस टेंडर को कौन कंप्लीट कर रहा है, वो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। अब कोंकण के अंदर तो देखो महाराष्ट्र गोवा की बात करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें ये कंपनी है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई नेपाल और इंडिया के बीच में रेलवे लिंक है वो रीस्टार्ट हुआ है, उसको क्रिएट करने वाली कंपनी कौन सी है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड सीधा आ जाता है, ठीक है। आज न्यूज़ देखो थोड़ी लंबी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो रही है नेपाल और इंडिया के बीच में। वैसे तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी जो ट्राई जंक्शन था लिम्फियादुरा लिपुलेक वाला एरिया, उस ट्राई जंक्शन को लेकर के नेपाल ने इंडिया के ऊपर सीधा एक वो ही कर दिया था, दुश्मनी सी हो गई थी जी, सीधी सी बात है। एक तो क्या चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, अब तो क्या है कि शेर बहादुर दौबा करके अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, KPS ओली थे तब तक तो पूरा प्रो चाइना का काम चल रहा था वहाँ पर हर एक चीज़ में। अब थोड़ा सा सरकार बदली है तो सरकार भी थोड़ी सी इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे रखना चाहती है, ठीक है ना। तो ये देखो देखो वैसे तो रेलवे ट्रैक जो है 1937 में ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी एक फेरी कार्गो के तौर पर, जहाँ पे लॉग्स ले जाए जा सके नेपाल से इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद में 2014 में ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया था इसलिए एक बार रुक गई। फिर उसके बाद में और ज़्यादा एक्सटेंशन इसलिए मिल गया कि इंडिया नेपाल के रिलेशन थोड़े बिगड़ गए थे। तो ये है पूरा मुद्दा, आगे चलते हैं हम। क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे में एक और चीज़ और ऐड हो गई, दैट इज़ हीट वेव जो है वो अब अलग अलग टाइम पे हो रही है और ये स्टडी बता रही है अब। और इसके साथ में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी राइज हो गई। देखो होता क्या है, गर्मी अगर बढ़ती है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है और पसीने निकलने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परसिपरेशन, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ परसिपरेशन क्या होता है, टेम्परेचर राइज हुआ, पसीना निकला, पसीना बाहर निकल करके हमारी जो बॉडी है इसकी स्किन सरफेस है उसको कूल कर देगा, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से थर्मो रेगुलेशन। अब ये थर्मो रेगुलेशन कब रुक जाएगा, गर्मी तो पड़ रही है पर साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जितना कंट्रोल में आना चाहिए उतना कंट्रोल में ना आने की बजाय 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर अगर राइज होगा तो फैटलिटी रेट का भी चांस बढ़ जाता है, जो डेथ रेट है मॉर्टेलिटी रेट है हीट वेव की वजह से वो 2.5 से 32% तक राइज हो जाती है, और इसी वजह से डेथ रेट बहुत हद तक ज्वाइन भी की गई है। इसके अलावा
रिसर्च किसने कंडक्ट की है वो यहाँ पर देख सकते हो, महामन्ना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्लाइमेट चेंज एंड रिसर्च, साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और कोलैबोरेशन किसका रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इन्होंने फिर बाद में अल्टीमेटली बताया कि आजकल जो हीट वेव का जो प्रोविज़न है वो थोड़ा, हीट वेव का जो एरिया है वो चेंज हो गया है। अब हीट वेव के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर देता है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी तक तो ये बताया जाता था कि जनरली जो हीट वेव प्रेवलेंट रहती है वो नॉर्थ वेस्टर्न या सेंट्रल या साउथ सेंट्रल इंडिया में देखी जाती है, पर अभी आप देख सकते हो, अभी ईस्ट वाले एरिया के अंदर प्रेवलेंट है, पहले दिल्ली में, यूपी, बिहार और दिल्ली और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ही प्रेवलेंट होती थी, पर अब क्या हो गया है, शिफ्टिंग हो गई है हीट वेव आने की। यहाँ तो कम हो गया यूपी, बिहार, दिल्ली में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाले एरिया में। अब ज़्यादा हीट वेव कहाँ पे आ रही है, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है ना। तो और हर साल लगभग 0.8 इवेंट्स हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हीट वेव सबसे ज़्यादा आ रही है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। इसके अलावा और दूसरे स्टेट जहाँ पर हीट वेव के केसेज आ रहे हैं, MP, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दा था जिसको हमें देखना था आगे। अब यहाँ पर देख सकते हो हीट वेव की वजह से डेथ्स कितनी क्या हुई है, 1978 से 1999 के बीच में देखें तो लगभग 5,330 डेथ्स हुई है, जबकि 2003-2015 के बीच में देखें तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें यह है कि फॉरेस्ट में जो भी ट्राइबल लोग रह रहे हैं, फार्मर्स रह रहे हैं, उनको रिलोकेट किया जाएगा, और रिलोकेट करने के बाद में उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट एरिया में कोई इशू ना आए। देखो इसमें प्रोविज़न क्या है, सीधा सा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कि जो भी फॉरेस्ट एरिया के सेंट्रल एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, और जो भी फॉरेस्ट एरिया की बाहर की पेरिफेरी एरिया है वहाँ पर उनको ज़मीन एलोकेट की जाएगी, और साथ में उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा ऑनरशिप का, पट्टा जिसको बोलते हैं, साथ में पावर सप्लाई फैसिलिटी भी मिलेगी, वाटर फैसिलिटी भी दी जाएगी, और रायथू बंधु एक स्कीम चल रही है वहाँ पे। इस स्कीम के बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे तेलंगाना में। इसमें क्या है, ज़मीन के एरिया के हिसाब से किसान के अकाउंट में सीधा पैसा जाता है या चेक्स के बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। इससे क्या है कि फार्मर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा कर पाता है, साथ में फार्मर्स को इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं रीलोकेट करने के लिए जो भी फार्मर्स फॉरेस्ट एरिया के बिल्कुल बीचों बीच या कहीं मिडिल एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको शिफ्ट करने का है ये मुद्दा। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, वो ये कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पे अभी नज़र है, और रिलायंस ने देखो अभी एक खरीद लिया है REC सोलर होल्डिंग, जो कि चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल ब्लू स्टार, इसकी ही सब्सिडियरी है, इसको $771 मिलियन की एक डील में ख़रीदा है, ठीक है ना। तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड RNESL, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही पार्ट है, तो उन्होंने अभी REC सोलर होल्डिंग AS करके कंपनी है, या फिर REC ग्रुप की कंपनी है, इसको टेक ओवर किया है, और ये REC कंपनी किसकी है, चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल ब्लू स्टार। ये $771 मिलियन की ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट डील है। अच्छा, REC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नॉर्वे में, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो देखो कहाँ कहाँ पर होता है, सिंगापुर में भी है इसका एक सब ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, और नॉर्वे में भी है, और प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन तो इन हेडक्वार्टर्स के आसपास में करके, और फिर बाद में ये इसका मार्केट एरिया है। तो आप देख सकते हो सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सोलर पैनल को लेकर के कितना ज़्यादा एक स्कोप बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो सोलर ग्रेड की पॉलीसिलिकन बनानी होती है उसकी फैसिलिटी तो नॉर्वे में लोकेटेड है, और फोटोवोल्टाइक सेल है उनके मॉड्यूल्स बनाने की फैसिलिटी है वो सिंगापुर में है REC की, जो कि 25 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन जो है वो सारा का सारा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब वो क्या करेगी, जो टेक्नोलॉजी REC ने डेवलप कर ली उसकी फ़ायदा मिलेगा। अब वो टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी REC ने जो डेवलप की है, एक का नाम तो है यहाँ पर देख सकते हो, हाफ कट पैसिवेटेड एमिटर एंड रियर सेल PERC टेक्नोलॉजी, जो कि रिलायंस के पास में नहीं थी। तो अब रिलायंस क्या करेगा, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे REC की जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ से तो प्रोडक्शन करेगा ही, उसके अलावा रिलायंस की जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जामनगर,
वहाँ पर अभी 4 GW/annum कैपेसिटी के इक्वलेंट जो सोलर पैनल है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो कि अभी तक 10 GW/annum तक पहुँच चुका है। तो उसको और एक पुश मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको पता ही है कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, US, इंडो पैसिफिक एरिया, इन सारे मार्केट्स को ईजिली कैप्चर कर पाएगी रिलायंस, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दा था जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना था। BSNL का 4G प्लान स्टार्ट हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर एक न्यूज़ और देखें तो सिंपल सी बात है, बोटास विक्ट्री गिव्स टाइटल एडवांटेज टू वर्स्टैपन। इसमें सिंपल सी बात यह है कि फार्मूला वन का अभी रेसिंग हुई टर्की में, और उसमें आप देख सकते हो वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं, मर्सिडीज़ चलाते हैं, ये विनर के तौर पे इमर्ज होके आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है भाई कि वाल्टेरी बोटास रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्या है, कौन है ये, तो आप बता सकते हो, ठीक है। एक इधर आप देख सकते हो बॉक्सिंग फाइट की बात अगर करें तो टाइसन फ्यूरी, और दूसरे इंडिविजुअल यहाँ पर जो हैवी वेट बॉक्सिंग का ये कॉम्पिटिशन था, इसमें टाइसन फ्यूरी को हराया किसने, डियोन्ते वाइल्डर ने, ओके। एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि अभी IPL आपको पता है चल ही रहा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कल दिल्ली को हरा दिया, दिल्ली कैपिटल्स को, और चेन्नई तो देखो पहुंच गई है फाइनल में। अब दिल्ली कैपिटल्स एक और मौका मिलेगा, और आज एलिमिनेटर राउंड हो रहा है जिसमें आपको पता है RCB और KKR फाइट कर रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इन चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं आजकल इन पे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया है, पर आज कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने बात की हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।